बबलू श्रीवास्तव, अतीक अहमद, ब्रिजेश सिंह, इसी क्रम में एक और नाम है रघुराज प्रताप सिंह। रघुराज प्रताप सिंह के नाम से बहुत चंद लोग जानते होंगे उन्हें। मैं सोचता हूं कि सिर्फ यूपी के लोग जानते होंगे उन्हें, लेकिन जब मैं उनका दूसरा नाम लूंगा तो आप समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ तूफान सिंह उर्फ राजा भैया। जी हां, वही कुंडा वाले राजा भैया। अब समझे आप कौन है राजा भैया। राजा भैया वही शख्स है जिसे यूपी के एक्स चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह कुंडा का गुंडा बताते हैं। रघुराज प्रताप सिंह वही शख्स है जिसे भारत का कानून एक कातिल कहता है, एक गुनहगार कहता है, हिस्ट्री शीटर कहता है, और कई बार तो टेररिस्ट तक कहता है। राजा भैया सातवीं बार फिर से कुंडा से जीत चुके हैं और अपनी एमएलए की कुर्सी वापस से हासिल कर चुके हैं। राजा भैया की एक कला है, उनको जानने वाले लोग ये कहते हैं कि राजा भैया एक ऐसे कलाकार हैं जिनके पास एक राजनीतिक कला है। वो कला ये है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, उसे जीत सकते हैं, और उसके बाद जो भी पार्टी गवर्नमेंट बना रही होती है उस गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री भी हासिल कर लेते हैं। यह है राजा भैया की राजनीतिक कला। राजा भैया को राजनीति की समझ कहां से आई? दरअसल राजा भैया के रगों में ही राजनीति है। असल में यूपी के एक रजवाड़े खानदान में पैदा हुए हैं राजा भैया। उनके पितामह त्रिलोचन प्रताप सिंह, कुंवर त्रिलोचन प्रताप सिंह, भारत के एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं। तो राजा भैया के तो रगों में बहती है राजनीति। राजा भैया को लेकर अनेकों भ्रांतियां भी सुप्रसिद्ध हैं। उसमें से एक ये है कि राजा भैया ने अपने कुंडा वाले महल में एक तालाब बनवाया है, उस तालाब में मगरमच्छ पाल रखे हैं, और जो भी राजा भैया के साथ बदसलूकी करता है या राजा भैया से दुश्मनी मोल ले लेता है, राजा भैया उसे पकड़वा कर उस तालाब में डाल देते हैं और उसके आगे की प्रक्रिया उस तालाब में रहने वाले मगरमच्छ करते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये हम नहीं जानते, लेकिन ये प्रचलित जरूर है। बहुत सारे इंटरव्यूज में राजा भैया से ये पूछा गया है और उन्होंने सिरे से नकार दिया है। इस चीज को उन्होंने मजाक में लिया है तो हम भी मजाक में ही लेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है गुंडई में राजनीति हो या राजनीति में गुंडई, राजा भैया का नाम सबसे टॉप पे रहता है। तो कैसे आए राजा भैया राजनीति में और उनकी पढ़ाई कैसे हुई, कहां से उन्होंने पढ़ाई की, क्या पढ़ाई की, और उसके बाद कैसे राजनीति में आना हुआ, सब कुछ जानेंगे। आइए जानते हैं। रघुराज का जन्म 31 अक्टूबर 1967 को प्रतापगढ़ के राजपूत भद्री रियासत में पिता श्री उदय प्रताप सिंह और माता श्रीमती मंजुल राजे के यहाँ हुआ। रघुराज के पिता राजा उदय प्रताप सिंह विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मानद पदाधिकारी थे। इनकी माता श्रीमती मंजुल राजे भी एक शाही परिवार से हैं। राजा भैया अपने परिवार के ऐसे पहले सदस्य हैं जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया है। रघुराज प्रताप की प्राथमिक शिक्षा नारायणी आश्रम इलाहाबाद के महाप्रभु बाल विद्यालय में हुई। 1985 को भारत स्काउट एवं गाइड स्कूल से 10वीं और 1987 में इलाहाबाद के एक इंटरमीडिएट स्कूल से 12वीं की पढ़ाई की है। लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने कानून में स्नातक डिग्री हासिल की। घुड़सवारी और निशानेबाज के शौकीन राजा भैया लखनऊ विश्वविद्यालय के मिलिट्री साइंस और भारतीय मध्यकालीन इतिहास के स्नातक हैं।
राजा भैया के बारे में कहा जाता है कि वे साइकिल चलाने से लेकर हवाई जहाज उड़ाने तक का कारनामा करते हैं। राजनीतिक करियर की बात करें तो रघुराज प्रताप सिंह कुंडा सीट से स्वतंत्र पूर्व विधायक 1993 में राज्य स्तरीय चुनाव में भाग लिया और विजयी बनकर लौटे। तब वे सिर्फ 26 वर्ष के थे। 1999 में इंडियन जनरल इलेक्शन में उन्होंने राजकुमारी रत्ना के खिलाफ अपने चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह को उतारा। राजा भैया कद्दावर छवि के कारण उनके भाई भी इस चुनाव में जीत गए। राजा भैया ने 1993 हुए विधानसभा चुनाव में कुंडा की राजनीति में कदम रखा। तब वह लगातार अजय बने हुए थे। उनसे पहले कुंडा सीट पर कांग्रेस के नियाज हसन का डंका बजता था। हसन 1962 से लेकर 1989 तक कुंडा में 5 बार विधायक चुने गए हैं। राजा भैया 1993 और 1996 में विधानसभा चुनाव के बीजेपी समर्थित, तो 2002, 2007 और 2012 में एएसपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के रूप। राजा भैया बीजेपी की कल्याण सिंह सरकार से एएसपी की मुलायम सिंह सरकार के भी मंत्री बन चुके हैं। वर्तमान में वे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट व खाद्य रसद मंत्री हैं। राजा भैया ने 1997 में भारतीय जनता पार्टी की कल्याण सिंह में मंत्रिमंडल में कंबानी मंत्री और वर्ष 1999 व 2000 में रामप्रकाश गुप्ता व राजनाथ सिंह के कैबिनेट में खेल कूद व युवा मंत्री बनाया गया। साल 2000 में समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव की सरकार में उन्हें रघुराज प्रताप खाद्य मंत्री व रसद विभाग मंत्री बनाया गया। 15 मार्च 2012 को राजा भैया पुनः उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट में कारगर व खाद्य रसद मंत्री बने। लेकिन 2 मार्च 2013 को कुंडा के तिहरे हत्याकांड मामले में डीएससी जियाउल हक की हत्या के आरोप में नाम आने पर 4 मार्च 2013 को उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि बाद में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने प्रारंभिक जांच में ही राजा भैया को निर्दोष करार दिया। क्लोजर रिपोर्ट में उन्हें क्लीन चिट मिल गई। सीबीआई ने अंतिम रिपोर्ट में भी राजा भैया को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी। 11 अक्टूबर को उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने सम्मान सहित पुनः कैबिनेट का दर्जा दिया और वर्तमान सरकार में रघुराज प्रताप सिंह खाद्य रसद व आपूर्ति विभाग के मंत्री हैं। परमादरणीय मानवीय श्री कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया जी हर साल 101 बहन बेटियों की शादी करवाते हैं।